अरे भाई गाड़ी है सर, इसमें ये किसका है? ये तैयारी है, वो ड्राइवर के रूप में रखा है सर, उतई का है मालिक। ये उतई का है सर, गाड़ी को भी ले दूंगा जी। आयरन आयरन भी लगा के रखा है सर। मैं गांजा वांजा ही पार करते हुए ये भी डाउट लगा है, पूछता हूँ जाए। इसमें गांजा वांजा ही पार करते थे क्या तुम लोग? हाँ गांजा पियो कभी? ये तो पिए होंगे, गांजा पिए हो? कभी कभी पीते हो? गांजा ले लाते कहाँ से हो? बहुत ही ज्यादा नशा में लगे। कहाँ पीते हो गांजा भाई? यही पी, अकेले पीते हो तुम? अकेले तो मजा ही नहीं आता, दोस्त लोग मिल जाते हैं तो कितना दिन कितना पी लेते हो गांजा? मन करता है तो दारू अच्छा है गांजा अच्छा है? दारू अच्छा है क्यों? अंतर क्या है दारू के नशे और गांजा के नशे में? क्या चीज? गाल चिपक जाता है। गाल चिपक जाता है किसे? गांजा पीने में गाल चिपक जाता है और दारू पीने से गाल फूल जाता है। एक से एक अंतर, एक से एक। आप भाई कभी सेवन किया क्या? हाँ पे दूर हो यार भाई, बॉडी का कोई राज तो है। जेल में कुछ मिलता होगा ना सब खाना? तो वहाँ तो पतले हो जाते हैं सर। हाँ भाई दारू तो पीते हो ना? दारू बस पीते हो? दारू तो कोई चीज ही नहीं है। चलो गुड सर, फोटो ले लेते हैं भैया। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। देश दुनिया देखेगी आप लोगों को फेसबुक पे। फेसबुक खोलते हो तुम लोग? नहीं खोलते? कितना चलाते हो फेसबुक? क्या चलाते हो? इंस्टाग्राम? मोबाइल है नहीं तुम चारों के पास? अरे स्मार्टफोन है सब चलाते हो। मीडिया वाले आए थे क्या? उसे नहीं आए थे? कोई नहीं आए थे। दोबारा क्या करते ही नहीं? जी सर, चोरी का खुलासा। दुर्ग पुलिस द्वारा आज एक अहम कामयाबी मिली है। 6 चोरी के मामलों का आज खुलासा हुआ है, जिसमें 4 चोरों के गिरोह द्वारा जो कि ट्रवेरा का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि ये नीली बत्ती लगा के सायरन बजाते हुए चला करते थे। ये दुर्ग के अलग अलग थाना क्षेत्र में घूम के रात के अंधेरे में 5 से 10 मिनट के अंदर ताला तोड़ के दुकान को पूरा सफाई कर देते थे। इनके द्वारा ग्रॉसरी के दुकान में, कंप्यूटर के दुकान में, मोबाइल के दुकान में और डेली हाउसिंग की दुकान में टोटल 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये 6 घटनाएं पिछले 1.5 महीने के अंदर इनके द्वारा की गई है। इसमें एक ऐसा भी व्यक्ति है जो 302 के मामले में 16 साल जेल काट के आया था, उसके बाद भी उसने चोरी के गिरोह में घुसे। बाकी जो 3 लोग हैं ये पुराने चोर हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार बीच बीच में चोरी कर रहे हैं। ये चोरी के मामलों में जेल गए हैं, महिलाओं का छेड़छाड़ के मामले में जेल गए हैं, जुआ सट्टा में जेल गए हैं।
तो कहीं ना कहीं अपराधी लोग हैं, इनके ऊपर पुलिस द्वारा आगे भी नजर रखी जाएगी और एक दुरुस्त केस बना के इनको माननीय न्यायालय से दोबारा सजा दिलाने की कोशिश। चोरी करने का क्या काम था? ये लोग काफी पिया करते थे, गांजा का नफा किया करते थे, जल्दी पैसा कमाने की लालसा हुआ करती थी, तो इसीलिए ये लोग सुने दुकान में चोरी करके एक बार में 1-1.5 लाख की चोरी करके आपस में बांट के ना जिंदगी जो है एंजॉय करा करते। थाने को बहिष्कार मिला है क्या? छत्तीसगढ़ राज्य में पाटन थाने को रूरल थानों की कैटेगरी में अलग अलग मानकों पे जांच होने पर बेस्ट थाने का अवार्ड जो है राज्य शासन द्वारा दिया गया है। पाटन थाना निश्चित रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन्वेस्टिगेशन क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है और सभी मानकों में पाटन जो है रूरल थानों में प्रथम स्थान पर आया। छह चोरी के मामलों का खुलासा हुआ है जिसमें 4 चोरों के गिरोह द्वारा जो कि ट्रवेरा का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कि ये नीली बत्ती लगा के सायरन बजाते हुए चला करते थे, ये दुर्ग के अलग अलग थाना क्षेत्र में घूम के रात के अंधेरे में 5 से 10 मिनट के अंदर ताला तोड़ के दुकान की पूरा सफाई कर देते थे। इनके द्वारा ग्रॉसरी के दुकान में, कंप्यूटर के दुकान में, मोबाइल के दुकान में और डेली हाउसिंग की दुकान में टोटल 6 घटनाओं को अंजाम दिया गया। ये 6 घटनाएं पिछले 1.5 महीने के अंदर इनके द्वारा की गई है। इसमें एक ऐसा भी व्यक्ति है जो 302 के मामले में 16 साल जेल काट के आया था, उसके बाद भी उसने इस चोरी के गिरोह में घुसे। बाकी जो 3 लोग हैं ये पुराने चोर हैं, पिछले 10 वर्षों से लगातार बीच बीच में चोरी कर रहे हैं। ये चोरी के मामलों में जेल गए हैं, महिलाओं के छेड़छाड़ के मामले में जेल गए हैं, जुआ फट्टा में जेल गए हैं, तो कहीं ना कहीं अपराधी लोग हैं। इनके ऊपर पुलिस द्वारा आगे भी नजर रखी जाएगी और एक दुरुस्त केस बना के इनको माननीय न्यायालय से दोबारा सजा दिलाने की कोशिश। सर, चोरी करने का क्या क्रम था? सर, ये लोग काफी पिया करते थे, गांजा का नफा किया करते थे, जल्दी पैसा कमाने की लालसा हुआ करती थी, तो इसीलिए ये लोग सुने दुकान में चोरी करके एक बार में 1-1.5 लाख की चोरी करके